राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 दिवसीय दौरे पर है। आज उन्होंने मेहसाणा के मोढ़ेरा में करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढ़ेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों करोड़ की परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, किसानों और चरवाहों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मोढ़ेरा सोलर पार्क विलेज की वजह से आज मोढ़ेरा देश में चर्चा का विषय है। मोढ़ेरा पर्यावरणविदों के लिए अपनी जगह बनाएगा। आज मोढ़ेरा के लोग बिजली पैदा कर रहे हैं और उसे कमाई कर रहे हैं। आज मोढ़ेरा के लिए, मेहसाणा के लिए और पूरे नॉर्थ गुजरात के लिए विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली पानी से लेकर रोड रेल तक, डेयरी से लेकर कौशल विकास और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हजारों करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रोजेक्ट्स रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को भी विस्तार देंगे। आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। आज जब हम भगवान सूर्य के धाम मोढ़ेरा में हैं, तो ये सुखद संयोग है कि आज शरद पूर्णिमा भी है। साथ ही आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का पावन अवसर भी है, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम हो गया है। आज महर्षि वाल्मीकि ने हमें भगवान राम के समरस जीवन के दर्शन करवाए, समानता का संदेश दिया। आप सभी को, पूरे देश को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों से आप लगातार देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, सूर्यग्राम को लेकर के, मोढ़ेरा को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है कभी सोचा नहीं था कि सपना हमारी आंखों के सामने साकार हो सकता है, आज सपना सिद्ध होता देख रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी चीर पुरातन आस्था और आधुनिक टेक्नोलॉजी मानो एक नया संगम नजर आ रहा है, नया संगम नजर आ रहा है। कोई इसे भविष्य के स्मार्ट गुजरात, स्मार्ट भारत की झलक बता रहा है। ये आज हम सभी के लिए, पूरे मेहसाणा, पूरे गुजरात के लिए गौरव का पल लेकर के आया है। पहले दुनिया मोढ़ेरा को
सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढ़ेरा सूर्य ग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढ़ेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। घर की रोशनी हो, खेतीबाड़ी की जरूरत हो, यहां तक कि गाड़ियां बसें भी सोलर पावर से चलने का प्रयास होगा। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़े ऐसे ही प्रयासों को बढ़ाना है। मैं गुजरात को, देश को, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके संतानों को सुरक्षा मिले इसलिए दिन रात मेहनत करके देश को दिशा में ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहा। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में परिवर्तन चौक के पास बने महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आज महर्षि वाल्मीकि के पावन जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि का पावन धाम उनकी तपो स्थली लालापुर चित्रकूट में है। उसी चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास के समय ज्यादा समय बिताया था। उसी चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली लालापुर है। उसी चित्रकूट में संत तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर भी है। हमारी सरकार ने दोनों पावन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। मैं सबसे पहले वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे प्रदेश वासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज के दिन पर यह मान्यता है कि चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है और धरती के सबसे नजदीक भी होता है। इसके अपने आध्यात्मिक महत्व है और इस धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करके हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति के साथ सरोवर करने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की पावन जयंती भी आज है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने ही भगवान श्री राम के साथ हम सब का साक्षात्कार करवाया। भगवान राम का पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था और उसके बाद दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं जो वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बनाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी को और कलयुग में संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने अपनी अमर रचना के माध्यम से, पवित्र रामायण के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया तक भगवान श्री राम के पावन चरित्र को पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचार करने का कार्य किया।
यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम महर्षि वाल्मीकि जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर एक साथ मिलकर के इस तत्काल दर्शी ऋषि के प्रति अपना श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं, उस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि का जो पावन धाम है, उनकी पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट में कितना अच्छा संयोग है, भगवान राम ने वनवास के समय सर्वाधिक समय चित्रकूट जनपद में ही व्यतीत किया था। उसी चित्रकूट में लालापुर महर्षि वाल्मीकि जी की पावन भूमि है और उसी चित्रकूट में संत तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि राजापुर स्थित है। दोनों स्थलों को सुंदरीकरण करके उन्हें पर्यटन विकास की दिशा से अग्रसर करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। लालापुर में एकदम पहाड़ी की चोटी पर हम लोगों ने व्यवस्था की है और अब वहां पहाड़ी पर हर व्यक्ति जा सके, इसके लिए रोप वे के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, जिससे महर्षि वाल्मीकि के पावन चित्र से हर श्रद्धावान भारतीय प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर सके। इस दिशा से कार्यक्रम वहां पर वर्तमान में चल रहा है। मैं एक बार फिर से आज के इस पावन पर्व के अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब महर्षि वाल्मीकि जी के इस पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके, प्रकाश प्राप्त करके देश और समाज के लिए अपने को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आठ और नौ अक्टूबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में दो दिवसीय द इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव का पांचवा संस्करण का आयोजन किया गया। आईएससी एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जहां तिलहन विशेष रूप से सोयाबीन प्रोसेसर और खाद्य तेल क्षेत्र के अन्य हितधारक नेटवर्क के लिए एक साथ मिलते हैं, जानकारी और ज्ञान को साझा करते हैं और उन नीतियों पर चर्चा करते हैं जो इस उद्योग के लिए फायदेमंद होता है। सोया कॉन्क्लेव भारत केंद्रित है, यानी ये आयात पर निर्भर उद्योग के बजाय स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। नेटवर्किंग के अलावा सोया कॉन्क्लेव व्यापार और उद्योग को अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने और मौके पर वास्तविक व्यापार समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सोया वैल्यू चेन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली शामिल हुए। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि ज्यादा बारिश के चलते सोयाबीन की फसलें ज्यादातर खराब हो गई हैं। उसके लिए कुछ और समाधान ढूंढने होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव के निमित्त सोयाबीन से लेकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके आधार पर काफी अच्छी चर्चा इस कार्यक्रम में होगी और इस कॉन्क्लेव से हमारे देश को नई विजन मिलेगी। फिलहाल हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बनाना
और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये उद्दिष्ट प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने रखा हुआ है। और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप हमें इम्पोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट एरिया में उनकी जो हमारी 65% पॉपुलेशन है, उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा। हमारे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और फॉरेस्ट में जो जनसंख्या है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत निग्लिजिबल है। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन कृषि से संबंधित है, ग्रामीण इंडिया में रहती है, जिनका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 22-24% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है और 52-54% सर्विस सेक्टर से आता है, जबकि इसके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, वो डिपेंडेंसी की पॉपुलेशन जो है, वो कम से कम 65 करोड़ है। और इसलिए 65% है, और ये 65% पॉपुलेशन के विकास के लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है कि खेती में विकास करने के लिए सिंचाई को बढ़ाना होगा। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। नदी जोड़ प्रकल्प हो, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट हो, मैं अक्सर बात दोहराता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इससे इरिगेशन बढ़ेगा। हमारे देश की 60% जमीन जब पानी के नीचे आएगी तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22 के ऊपर जाएगा, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का संभावना बहुत होगी। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और अभी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन और बायो इथेनॉल भी कृषि क्षेत्र में बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में 17 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट फॉसिल फ्यूल का है, उसके बजाय हमारे देश का किसान अन्नदाता जैसे बने तैसे ऊर्जादाता बने, ये हमारी कोशिश है। और इन सब प्रयासों में सोयाबीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट, अब महाराष्ट्र का काफ़ी पार्ट बड़े प्रमाण पर सोयाबीन लगता है, पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, अर्जेंटीना में करीब 28 क्विंटल होता है, और ब्राज़ील में 26 क्विंटल होता है, और हमारे देश में 5 क्विंटल होता है। स्वाभाविक रूप से ये जो कमी है, इसके कारण हमारे देश के किसान सोयाबीन में इस बार बरसात ज़्यादा आई, और बरसात ज़्यादा आने के कारण मेरे खुद के घर में जो सोयाबीन है वो सड़ गया है। तो आज बहुत बड़ी समस्या है कि आज सोयाबीन की जो नस्ल्स है उसके ऊपर जो संशोधन करके, जो ज़्यादा पानी में भी क्यों ना हो, जिसकी उत्पादकता अच्छी हो, इस प्रकार के लिए काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश में ही सोयाबीन तैयार होगा, हमारे देश में सरसों तैयार होगी, हमारे देश में मूंगफली तैयार होगी, हमारे देश में जवस तैयार होगा, तेलबिया तैयार होगी, तो मेरा विश्वास है कि हमारे देश के सॉल्वेंट प्लांट भी अच्छे चल पाएंगे। आजकल काफ़ी लोग कच्चे घाणी के तेल के रूप में तेल भी लोगों को दे रहे हैं, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अनेक प्रकार से मुझे लगता है ये बातें करके हम लोग काफ़ी संशोधन भी कर रहे हैं। विशेष रूप से सोयाबीन के प्लांट में तेल निकलने के बाद काफ़ी कुछ संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, और उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर चेंजेस आ रहे हैं, जिससे नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। ये इंडस्ट्री अच्छी है, पर इसका बेस है किसान सोयाबीन लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एक तरफ किसानों को समृद्धता संपन्नता मिलेगी, और दूसरी ओर इंडस्ट्री के कारण नए रोजगार भी निर्माण होंगे, और एक्सपोर्ट के कारण देश के लिए वेल्थ भी क्रिएट होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये तेल बिया के क्षेत्र में इम्पोर्ट को कम करना और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हम पूरी तरह तेल में, खाद्य तेलों में हम स्वयं पूर्ण बने, यही हमारी सबसे बड़ी विजन है और सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।
जीएम सीड को लेकर थोड़ी दिक्कतें है, पर बाकी बातों को इसको छोड़कर भी उसमें काफ़ी कुछ ऐसे रिसर्च है कि जिसका उपयोग करके यह नया रिवोल्यूशन आप सबके मदद से होगा, जो विन विन सिचुएशन सभी स्टेक होल्डर के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात दौरे पर हैं। कल उन्होंने दाहोद में एक जनसभा को संबोधित किया और आज वे वलसाड़ में सभा को संबोधित करने पहुंचे। धर्मपुर में लाल रूंगरी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप बीजेपी के साथ काम करते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, लेकिन उनके पास एक विधायक है जिसके पास चुनाव से पहले 4 एकड़ जमीन थी, अब 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 27 साल तक इन लोगों ने लूटपाट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि अब एक सरकारी रिपोर्ट आई है जो कहती है कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जिसे देखकर भाजपा के लोग डरे हुए हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके प्यार का ऋण, एक एक ऋण चुकता कर देंगे जैसे ही सरकार बनी। आपको जितनी गारंटी देके जा रहे हैं, जितने वादे देके जा रहे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी मतलब केंद्रीय सरकार की, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी है आईबी। उसने गुजरात में घूम घूम के लोगों से पूछा, जनता से पूछा, इस बार चुनाव में किसको वोट दोगे। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने कमाल कर दिया, जनता ने कमाल कर दिया। एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी, पर ईमानदार पार्टी। आप लोगों ने ईमानदार पार्टी के लिए मन बना लिया। लेकिन आईबी की रिपोर्ट में एक और बात लिखी है, सरकार तो बन रही है लेकिन अभी किनारे पे है, अभी 93-94 सीट आ रही है। 93-94 सीट आएगी तो दिक्कत है। इस बार इतना वोट डालो, इतना वोट डालो कि 150 पार कर जाए, 150 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। इतना तो पहुंच गए, सरकार बन रही है, इतना पहुंच गए, लेकिन अभी मार्जिन पे है, किनारे पे है। आप सबको मिलके एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। एक बार जोर का धक्का मार दो, 150 पार हो जाएगी, उसके बाद अपनी 5 साल स्थिर सरकार चलेगी। दोस्तों, तो सरकार तो बन रही है, दिसंबर में 1 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। अपने को करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। इन लोगों ने लूट लिया गुजरात को, 27 साल इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पास, किसी नेता के पास चले जाओ काम लेके, कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में। अरे कहां गया सारा पैसा? एक एमएलए है गुजरात का, इनका चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1,000 एकड़ जमीन हो गई, 1,000 एकड़ जमीन। इन सारों ने इतने बंगले बनवा लिए, इतनी जमीन खरीद ली अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने मां बाप के नाम, बच्चों के बच्चे अभी हुए नहीं उनके भी नाम जमीन खरीद ली इन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सबने मिलकर लूट लिया गुजरात को। कहते पैसा नहीं है, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया गुजरात सरकार खर्च करती है। कहां खर्च करती है जी? 27 साल में आपके गांव में सड़क बनी?
एक भी सड़क बनी आपने देखी सड़क बनती? कोई स्कूल बनाया इन्होंने? कोई अस्पताल बनाया इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया इन्होंने? कुछ काम करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा। फिर पैसा कहां गया? स्विस बैंकों में चला गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, सारा पैसा खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सारे बीजेपी के नेताओं से जो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, मैं जानता हूं आपको डर है, आप बीजेपी में ही रहो, लेकिन अंदर खाने बीजेपी को हराने का काम करो। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अब अपनी पार्टी बाजी भूल जाओ, ये नई आंधी चल रही है, नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार, नया सवेरा आने वाला है। सब लोग नया गुजरात बनाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, सब लोग, चाहे आप इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, पार्टी मत देखो, गुजरात के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित नगर निगम एक बार फिर दिल्ली में कन्वर्जन टैक्स को लेकर आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दिल्ली नगर निगम पर कन्वर्जन टैक्स के नाम पर व्यापारियों को लूटने का आरोप लगाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि MCD ने कन्वर्जन टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है और नहीं भरने पर व्यापारियों की दुकानें सील करने की धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की MCD ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ और खासकर दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। हमने पहले भी आपको कई मर्तबा सूचित किया कि किस तरह से इन्होंने टैक्स पे टैक्स नए टैक्स लगा लगा कर दिल्ली के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको पूरी तरह से तबाह करने पे उतर गए हैं, तबाह करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह का एक वाक्या जिसको लेकर पिछले हफ्ते 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर दिल्ली के व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी दुकान सील करने की धमकी दे रहे हैं, उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी की MCD एक रूल लेके आई, एक नया नियम लेके आई कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा होगा उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, कन्वर्जन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाई 8,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप एक बार में जमा करा दीजिए या आप 1,000 रुपए के हिसाब से आप किस्त बांध लीजिए 10 साल 15 साल का। ज्यादातर व्यापारियों ने ये 10 साल 15 साल वाला जो किस्त का फॉर्मूला था वो बांध लिया, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, इतना कोई सबका इनकम है नहीं, तो सबने कहा जी 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर वाला जो स्कीम है इस स्कीम को हम ऑप्ट करते हैं। सब लोग अपना जब भी समय आता था, जब भी पैसे होते थे, सब लोग अपना कन्वर्जन रेट जमा करते थे साल के अंत में, साल भर के अंदर। 2010 में शुरू हुआ ये नियम, जो एक तरीके से 2011 से लागू हुआ, चलना इसको सबने 10-10 साल का ऑप्ट किया था, तो 2020-2021 तक चलना चाहिए था। लेकिन 2018 में चोर दरवाजे से MCD एक नया रूल लेके आ गई, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रूल लेके आ गई। इन्होंने कहा कि 8,000 नहीं, अब 21,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर प्लॉट का भी देना पड़ेगा। 1,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से देता था, अब उसको ये कह रहे हैं कि तुम 21,000 रुपये के हिसाब से दोगे। रेट भी बढ़ा दिया और बोले कि फ्लोर नहीं, बिल्कुल पूरे प्लॉट पे,
मतलब अगर आपकी एक दुकान भी चल रही है तो आप चारों दुकानों के हिसाब से टैक्स दोगे। मतलब आप सोचें कि दिल्ली के लगभग 80% व्यापारियों ने यह तय किया कि वो 10 साल वाली स्कीम लेंगे, क्योंकि सबके पास इतनी क्षमता नहीं है कि एक बार में वो दे देंगे। आपने पूरे प्लॉट की कर दी और 3 गुना कर दिए, 4 गुना कर दिया रेट। अब व्यापारी खूब भटके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए, इन्होंने कहा जी हम इसको खत्म करा दें, इसको माफ करा देंगे। इनके सारे नेताओं ने मीटिंग करके बोला कि इसको माफ करा देंगे। फिर कोविड आ गया। अब पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर एक एक कर्मचारी को बुला बुला के, जिसके 10 लाख रुपए होते थे अब उसके 1-1 करोड़ रुपए तक के नोटिस दिए जा रहे हैं, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ तक के नोटिस दिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 10-15 दिन के अंदर ये सारा पैसा जमा कराओ वरना तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। ऐसे हजारों नोटिसेस पूरे दिल्ली के अंदर दिए जा रहे हैं। मैं आपके बीच में एक नोटिस लेके आया हूं कि रामा रोड पे फर्नीचर मार्केट के अंदर जो दुकान चलती है वहां का नोटिस है, वहां पे व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर नोटिस दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अब आप पैसा जमा करिए अन्यथा आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपकी दुकान पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कहां का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शासन किया, 16 साल तक शासन किया, एमसीडी को लूटा पूरी तरह से, एक एक नेता इनका अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया एमसीडी के अंदर। अब जाते जाते अब तो 1-1.5 महीने का तुम्हारा कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें तुम पूरी दिल्ली के व्यापारियों के साथ उगाही करना चाह रहे, उनकी दुकानें सील करने की धमकी देने के नाम पर पैसे उगाही करने का काम शुरू कर रहे। आम आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है कि 2017 में मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर नया टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, नंबर वन। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब व्यापारियों से 10 साल का करार हुआ तो आप बीच में करार कैसे तोड़ सकते हैं, दूसरा प्रश्न। तीसरा, आप करार तोड़ने के बाद आप करार तोड़ते हैं और उसके बाद उसकी पेनल्टी जो है वो एमसीडी के बाद आए व्यापारी दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करती है कि 1-2 महीने अब आपके बचे हैं, आपकी पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और अब दिल्ली वाले खुद आपसे बदला लेंगे और चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हो जिससे ये सारी संकट खत्म हो। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार, कहा कि मैं राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करता हूं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सावरकर के पक्ष में हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्री राणा सनाउल्ला के विरुद्ध शनिवार को गैर जमानती वारंट किया जारी। रावलपिंडी में न्यायाधीश गुलाम अकबर की अदालत ने यह आदेश जारी किया। तमिलनाडु के एमके सीएम स्टालिन फिर से चुने गए, डीएमके के अध्यक्ष, आम परिषद की बैठक में हुआ फैसला। कानपुर में महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत, कहा कि वाल्मीकि समाज सहित देश के दूसरे समाज मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 20 से ज्यादा राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुआ दर्दनाक हादसा, एक जुलूस के दौरान गांव में बिजली की HT लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, वहीं 2 की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विकास लगरपुरिया गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, कारोबारी से 8 लाख वसूलने के बाद भी मांग रहे थे रंगदारी। केरल में बुर्का पहनकर घूमते पकड़ा गया मंदिर का पुजारी, पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि उसे चिकन पॉक्स था इसलिए बुर्का पहना।
पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगी रोक। घांघरिया में सुरक्षा लिहाज से प्रशासन ने रोके 250 यात्री। आगामी चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश को जल्द मिल सकती है वंदे भारत ट्रेन की सौगात। तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।